Hello viewers, welcome to my channel Home Decor. Today's recipe is poha upma. ये बहुत ही simple recipe है. मैंने इसके लिए पोहा 2 कप लिया है, जो मैंने धोकर स्टफ में रखा है. इसके लिए हमें चाहिए कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स, एक ऑनियन बारीक कटा हुआ, पीनट्स, एक चिली को मैंने कट के रखा है और नींबू. और मसाले हमें चाहिए मस्टर्ड सीड, जीरा, शुगर, हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट. शुगर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप कम कर मीठा खाते हैं तो इसको मत डालिए. मैंने ऑयल डाला है 2 चम्मच. फिर इसमें मैं पीनट्स रोस्ट करूंगी. आप रोस्टेड पीनट्स भी यूज कर सकते हो. फिर इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, मस्टर्ड सीड. इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे. अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली. इसको अच्छे से मिला लीजिए ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से मिल जाए ऑयल में. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन. हम ऑनियन को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक. इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ. फिर डाल रही हूँ सॉल्ट. अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पोहा. हम इसको अच्छे से मिला लेंगे. मैं इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ. ये थोड़ा मीठा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा. फिर इसको हम 2 मिनट तक रख दे देंगे. हमारा थोड़ा हो चुका है पोहा. इसमें हम नींबू का फ्लेवर डाल देंगे. ये मैं नींबू का रस दे रही हूँ. अब वो करिएंडर लीव डाल रही हूँ. अब हम रोस्टेड पीनट इसमें डाल देंगे. अच्छे से मिला लीजिए. लेकिन हम उसको लिप दे देंगे ताकि नींबू का रस इसमें अच्छे से मिल जाए और उसका फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए. बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है फ्रेंड्स इसे. अब हमारा रेडी हो गया पोहा उपमा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज.